हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेली प्राइम का जो नया वर्जन लॉन्च होने वाला है 2.0, जिसमें आपको डायरेक्ट ईवी बिल जनरेट करने की फैसिलिटी आएगी कि आप डायरेक्ट टेली में जैसे बिल सेव करोगे तो आपको ईवी बिल जनरेट का ऑप्शन आएगा और डायरेक्ट ही आपका ईवी बिल जनरेट हो जाएगा और इसके साथ में आपका ईवी बिल प्रिंट भी आएगा। तो ये किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से उसको इनेबल करना है, ये सारी चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो अभी हम लोग उसका लाइव डेमो करने वाले हैं। मेरे पास बीटा वर्जन है तो मैं इसका लाइव डेमो अभी आपको करके दिखाऊंगा कि मेरा जो अभी मैं ईवी बिल जनरेट करूंगा तो वो किस तरीके से होगा। फर्स्ट आपको यहाँ पे F11 में GST वाले ऑप्शन में आपको ईवी बिल वाला ऑप्शन यस कर देना है और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन लिखा है प्रिंट ईवी बिल विथ इनवॉइस, इस ऑप्शन को भी यस करना होगा। तो आपका ईवी बिल का डिटेल भी आपको प्रिंट में आ जाएगा इनवॉइस के साथ में। तो ये मैंने यस कर दिया है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे F12 में एक ऑप्शन है सेंड ईवी बिल डिटेल्स फॉर आफ्टर सेविंग वाउचर, इस ऑप्शन को भी आपको यस रखना है। जब इसको यस रखोगे तभी आपको ईवी बिल यस करने का ऑप्शन आएगा। तो ये मैंने डिटेल यस कर दी है और जैसे हम लोग नॉर्मल एंट्री करते वैसे एंट्री पास करना है। और यहाँ पे आपको जैसे ईवी बिल आप लोग जेएसएन फाइल के जो लोग जनरेट करते हैं तो जो डिटेल आप यहाँ पे ऐड करते हो सेम टू सेम डिटेल आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, जो भी किलोमीटर वगैरह है ये सारा का सारा डिटेल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और एंट्री सेव होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा डू यू वॉन्ट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई इनवॉइस जनरेशन, यहाँ पे आपको यस करना है। जैसे आप यस करोगे अगर कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन अगर रॉन्ग रहेगी तो आपको एरर देगा, बट अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग नहीं है तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको ईवी बिल के लिए किस तरीके से यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पे मैं अभी मेरा जो आईडी है और पासवर्ड है उसको मैं एंटर कर देता हूँ और एंटर करके देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो ईवी बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, इतने ही टाइम में आपका ईवी बिल जनरेट हो जाएगा। जो अभी तक का आपका झंझट था कि आपको जेएसएन फाइल जनरेट करना है, ईवी बिल की पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे अपलोड करना है, ये सारा झंझट अभी आपका निकल जाएगा। और अभी मैं अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू अगर आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरा ईवी बिल का प्रिंट भी यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो पूरा का पूरा ईवी बिल का डिटेल भी यहाँ पे प्रिंट में आ रहा है। तो मुझे प्रिंट के लिए भी मुझे ईवी बिल की साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरा बिल भी आ जाएगा, ईवी बिल नंबर भी बिल में प्रिंट में आ जाएगा और साथ में मेरा ईवी बिल की डिटेल भी यहाँ पे प्रिंट में आ जाएगी, आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका ईवी बिल बहुत ही आसानी से टेली से जनरेट हो जाएगा। आपको जो प्रोसेस पहले करना पड़ता था ये सारा प्रोसेस अभी करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको मल्टीपल ईवी बिल किस तरीके से जनरेट करना है, ईवी बिल को कैंसिल कैसे करना है, तो ये सारी डिटेल इसके ऊपर भी मैं जैसे जैसे इसके ऊपर वर्क करूँगा तो उसका भी वीडियो बना के बताऊँगा कि हम लोग टेली से डायरेक्ट ईवी बिल को कैंसिल भी किस तरीके से कर पाएंगे। और भी बहुत सारे वीडियो मेरे अभी टेली प्राइम 2.0 के ऊपर आने वाले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना तो आपको रेगुलर उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बनाते रहता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेट से और नबले साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।